84% लोगों के खाने में प्रोटीन की कमी देखी जा रही है, क्योंकि आपको भी पता है, जैसा हम सब जानते हैं कि जब हम आज बहुत सारी जो दाल या ऐसी बहुत सारी चीजें जो एक खेती में उगाई जा रही है, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम होती जा रही है। और आपको पता है हमारे बनाने का जो तरीका भी है ना, चाहे वो दाल है या बहुत सारी चीजें, पहले के जमाने में वो खुले बर्तन में आपको दाल पकाई जाती थी तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इंटैक्ट रहती थी। आज जो हम नए नए तरीके कुकर में ऐसी चीजों में जो हम दाल भी बनाते हैं ना, वो भी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को कम कर देता है। तो कारण बहुत सारे जिसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, प्रोटीन की कमी हो रही है। बात करें कितना लेना है प्रोटीन, कहते हैं नॉर्मली अगर आप कि नॉर्मल लाइफस्टाइल है, आप सुबह उठ रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, अभी तो कोई नहीं जा रहा, अभी सब अपने घरों में है, तो आपको मिनिमम 0.8 से 1 ग्राम तक प्रोटीन या 1.5 तक मैक्सिमम आप ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आपका वेट 70 केजी है तो आपको रोज 60 से 70 ग्राम प्रोटीन आपको रोज खाना है। लेकिन अगर आप खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, आप कुछ हैवी एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे हैं तो आप 2 ग्राम तक प्रोटीन ले सकते हैं। 70 केजी वेट है तो लगभग आप 140 ग्राम प्रोटीन आप दिन भर में लेना जरूरी है। प्रेग्नेंट लेडीज हैं और जो लैक्टेटिंग मदर है उनको थोड़ा ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे का भी उनको सारा कुछ देखना है, बच्चे का ग्रोथ उनके खाने पर डिपेंड कर रहा है, तो उनको भी ये प्रोटीन थोड़ा ज्यादा लेने की जरूरत होती है। और अगर आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है ना, अगर कोई भी अक्यूट इलनेस है या मतलब आपको हड्डियों की प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, आप उन सब केसेस में प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। किसमें नहीं लेना है वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगी, तो आप उसमें भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी कंपनी क्या लेकर आई है। माय फ्रेंड, हमारी कंपनी का जो ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट का है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है मार्केट के प्रोडक्ट से। इसका मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, अगर बात करें जैसे एक सिंपल सी चीज है, आप जब प्रोटीन लेते हैं तो मार्केट का जो प्रोटीन है वो नॉर्मली वही लोग लेते हैं जिनका हैवी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो वो मैक्सिमम वे प्रोटीन वगैरह लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्रोटीन बनाया गया है जो ऐसे घर के लिए बनाया गया है, कोई लेडीज है, जेंट्स है, सब लोग इस प्रोटीन को ले सकते हैं, घर का बच्चे को भी आप ये दे सकते हैं। तो इसमें तीन चीजें डाली गई है, वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन एंड पी प्रोटीन, और प्लस एलिमेंट्स का है तो 2 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी डाली गई है, आंवला और ब्राह्मी। तो ये 5 चीजों के कॉम्बिनेशन से ये प्रोटीन हमारा बनाया गया है जो आपके स्ट्रेंथ, आपके स्टैमिना को मजबूत करता है। आप किसी भी चीज में मिक्स करके खा सकते हैं। घर में बच्चों को देना है तो जब आप आटा बच्चों के चपातियां बना रहे हैं तो आटे में आपने मिक्स करके बच्चे को बनाकर दे सकते हैं। आप किसी भी चीज में मिक्स करके इसको दे सकते हैं। वे प्रोटीन क्या होता है, आपने देखा होगा हम दूध में जब थोड़ा सा लेमन जूस डालते हैं तो दूध फट जाता है, फटे हुए दूध को निकाल देते हैं और जो पानी जैसी चीज बच जाती है उसको फिर सुखाया जाता है, उसके कीटाणु उबारे जाते हैं, उसको प्योर किया जाता है, पाउडर बनाया जाता है, दैट इज योर वे प्रोटीन। वे प्रोटीन जो है उसमें हमने वे प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेट यूज किया है, और वे प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन इसलिए माना जाता है क्योंकि 9 अमाइनो एसिड्स उसमें हमने डाले हैं, उसमें पाए जाते हैं, सॉरी डाले नहीं, उसमें ऑलरेडी पाए जाते हैं। तो वे प्रोटीन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कैंसर होने से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अस्थमा के पेशेंट्स में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं, ब्लड प्रेशर है या हार्ट डिजीज, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या जो HIV पेशेंट्स होते हैं उनमें सडन वेट लॉस हो जाता है, और वेट लॉस करने में भी वे प्रोटीन का बहुत बड़ा हेल्प है। सोया प्रोटीन जो है वो सोयाबीन के दानों से निकाला जाता है, हमने इसमें सोया प्रोटीन के आइसोलेट्स यूज किए। सोया प्रोटीन भी एक कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है, कंप्लीट मतलब 9 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। सोया प्रोटीन आपकी हार्ट डिजीज पे काम करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है, खासकर वो लेडीज जिनकी एज 50 प्लस हो गई है, मेनोपॉज हो चुका है, आगे चल के पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, वो लेडीज प्रोडक्ट को जरूर ले। कैंसर होने से बचाता है, किडनी हेल्थ को अच्छा करता है, डायबिटीज और आंखों की हेल्थ को भी अच्छा करता है। लास्ट में हमने इसमें पी प्रोटीन डाला है, पी प्रोटीन जो ग्रीन पीज होता है उससे निकाला जाता है, ये भी कंप्लीट प्रोटीन होता है। तीसरी जो लाइन है वो कह रही है BCAA, इसका मतलब होता है ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स। हमारी बॉडी में जो 9 अमाइनो एसिड्स मैंने आपको बताया ना जो जरूरी होते हैं बॉडी नहीं बना पाता, उनमें से 3 अमाइनो एसिड जब एक साथ जुड़ जाते हैं उनको हम BCAA कहते हैं, और ये आपके मसल्स को बढ़ाने में मदद करता है। BCAA के अलग से डब्बे आते हैं मार्केट में जो बहुत कॉस्टली होते हैं। तो पी प्रोटीन जो होता है वो बहुत धीरे धीरे पचता है, आपको बहुत देर तक पेट भरा रखने की आपको फीलिंग देता है, और जब आप इसको रात में लेते हैं तो आपको रात में अच्छी नींद आती है। लैक्टोज फ्री है, याद रखिएगा, कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है, जैसे दूध वाली कोई चीज खाते हैं
तो उनको उल्टी होने लगता है। जिनको लैक्टोज इनटॉलरेंस की प्रॉब्लम है वो भी इसको ले सकते हैं, और जिनको ग्लूटेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जो भी आप मैदा या गेहूं खाते हैं उसमें ग्लूटेन पाया जाता है, कुछ लोगों को ग्लूटेन की वजह से स्मॉल जो इंटेस्टाइन है छोटी आंत उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो जिनको ग्लूटेन से एलर्जी है वो भी ले सकते हैं, जिनको दूध से एलर्जी है वो भी ये ले सकते हैं। आंवला, जैसा हम सबको पता है, आंवला एक एंटी ऑक्सीडेंट, बहुत ही इसमें ज्यादा विटामिन सी होता है, एक एंटी ऑक्सीडेंट का रोल प्ले करता है, आपके लिवर को अच्छा करता है, ब्लड को प्योरिफाई करता है, आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। छोटे बच्चों को जब आप ये प्रोटीन पाउडर देते हैं तो उनके दिमाग को अच्छा रखने में मदद करता है। मतलब बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बॉडी तो है बट बुद्धि नहीं है उनके पास, मतलब दिमाग नहीं है उनके पास, तो ये आपकी बॉडी को भी अच्छा रखता है और आपके दिमाग को भी स्ट्रांग करता है, आपकी मेमोरी को शार्प करता है। अब इसमें क्या बेनिफिट है, मार्केट से कैसे अच्छा है, सबसे पहले इसमें वे प्रोटीन डाला गया जो सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स माना जाता है, प्लस पी प्रोटीन डाला गया, ऐसा कॉम्बिनेशन मार्केट में नहीं मिलेगा। आंवला और ब्राह्मी डाला गया है, मार्केट के किसी भी प्रोटीन पाउडर में आपको आंवला और ब्राह्मी नहीं मिलेगा। फैट कम है, सबके लिए अच्छा है, कोई भी इंसान उसको ले सकता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, हमारे इस प्रोटीन का PDCAAS स्कोर, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर, ये स्कोर क्या है, 1 है। ये स्कोर आपके प्रोटीन पाउडर की क्वालिटी बताता है कि आप जो अमाइनो एसिड ले रहे हैं आपका बॉडी उसको कितना ले पा रहा है, डाइजेस्ट कर पा रहा है, यूज कर पा रहा है। अगर किसी प्रोटीन का पीडी का स्कोर 1 होता है तो वो सबसे अच्छा प्रोटीन माना जाता है, तो हमारे प्रोटीन का पीडी का स्कोर 1 है, और वो आपको सारे 9 के 9 अमाइनो एसिड जो बॉडी नहीं बना पा रहा वो सारे 9 के 9 अमाइनो एसिड आपको देता है। हमारा प्रोटीन मार्केट में अच्छा क्यों है, मार्केट का 100 ग्राम खाते हैं तो 30-40 ग्राम ही प्रोटीन रहता है, एलिमेंट्स का 100 ग्राम खाते हैं तो 80 ग्राम प्रोटीन रहता है और 13.9 ग्राम BCAA देता है, तो एक अच्छा प्रोटीन माना जाता है। किधर नहीं देना है, जो भी किडनी के फेलियर के पेशेंट्स हैं या जिनका डायलिसिस चल रहा है, देखिए बहुत सारे केसेस में जिनका डायलिसिस चल रहा है डॉक्टर्स कभी कभी उनको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि डायलिसिस के टाइम पे बॉडी से प्रोटीन कभी कभी बहुत ज्यादा निकल जाता है क्योंकि वेट लॉस होता है, लेकिन कभी भी किसी डायलिसिस के पेशेंट को आपको ये प्रोडक्ट बिना उनके डॉक्टर से सजेस्ट किए नहीं देना है, तो आपको किडनी फेलियर या ऐसे सीरियस केसेस में आपको जाना ही नहीं है। यूरिक एसिड, जैसा आप बीच में एक फोटो दे रहे हैं, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसमें यूरिक एसिड जमा हो जाता है, तो यूरिक एसिड जमने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, बॉडी में पेन होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, तो यूरिक एसिड में हमें प्रोटीन कंटेंट बिल्कुल ही कम करना है, उस समय हमें प्रोटीन नहीं खाना है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को उनके डॉक्टर से कंसल्ट करके आप दे सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए सेफ है, ऐसा कुछ इश्यू नहीं, आप उनको दे सकते हैं। तो ये हमारी कंपनी का प्रोटीन।